ओम शांति। आज 24 अगस्त 2022, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, जब तक जीना है पवित्रता का व्रत पक्का रखना। क्यों क्यों रखना है? क्योंकि ये अंतिम जन्म है, पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में जाना है। बिना पवित्र बने पवित्र दुनिया में जा नहीं सकेंगे। प्रश्न, बाप का प्यार व अधिकार किन बच्चों पर रहता है? बाप का प्यार और अधिकार, बाप का अधिकार किन बच्चों पर रहता है? जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते, सबूत देते हैं, उन पर बाप का सबसे अधिक प्यार रहता है। जो अच्छी रीति पढ़ने वाले हैं वही माला में पिरोए जाएंगे, जो पढ़ेंगे अच्छी रीति वही फिर आगे अच्छी रीति पढ़ा सकेंगे, जो पढ़ेंगे ही अच्छी रीति नहीं तो वो आगे पढ़ा भी नहीं सकेंगे। प्रश्न, भविष्य देव पद प्राप्त करने के लिए अपनी कौन सी जांच करनी, अपनी कौन सी जांच करनी है? उत्तर, जांच करो दैवी गुण धारण करने में कौन कौन से विघ्न आते। मैं देवी गुण अपने जीवन में धारण करना चाहता हूं, परंतु धारण करने में कौन कौन से विघ्न आते हैं ये जांच करो। उन विघ्नों को युक्ति से उड़ाना है, अपने को देखना है हम पावन कहां तक बने हैं। कोई भी कांटा रुकावट तो नहीं डालता, कोई भी कांटा रुकावट तो नहीं डालता। गीत, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आजा रे इस धरती पर। ओम भक्त भगवान को अर्थात बाप को बुलाते हैं। क्यों क्यों बुलाते हैं? क्योंकि दुखी है, क्योंकि दुखी है। ये भी तुम समझते हो कि दुख के बाद सुख आना है, जरूर सुख था अभी नहीं है, सुख था अभी नहीं है। फिर बुलाते हैं कि आकर सहज राज योग सिखाओ। सिखलाने वाला जरूर बाप चाहिए, बाप समझाते हैं जैसे तुम आत्मा गर्भ में आकर शरीर लेती हो ऐसे मैं नहीं लेती, मैं नहीं लेता। मुझे तो पतितों को पावन बनाना है, इसलिए मुझे बड़ा शरीर चाहिए, मुझे
बड़ा शरीर चाहिए, मुझे आना ही है पावन बनाने। माया रावण ने तुमको पतित बनाया है, माया रावण ने तुमको पतित बनाया है, इसलिए आप ये पांच विकार दान में दे दो। तो ग्रहण छूट जाएगा, दो ग्रहण छूट जाए। पहले मुख्य है देह अभिमान, पहले मुख्य है देह अभिमान। अपने को अब देह ही अभिमानी समझो, मैं इस देह में रहने वाली आत्माओं से बात करता, उनको ज्ञान देता हूं, उनको ज्ञान देता हूं। 5000 वर्ष पहले भी ये ज्ञान सुनाया था, राजयोग सिखलाया था, कल्प कल्प सिखलाता हूं। आने से ही हमारा पतितों को पावन बनाने का धंधा ठहरा, धंधा ठहरा। बाप का पार्ट है आकर बच्चों को पावन बनाना, आकर बच्चों को पावन बनाना। तुम जानते हो हम सो देवता पावन थे, फिर पावन बनना है, पावन थे फिर पावन बनना है। दैवी गुण धारण करने हैं, भविष्य में तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हो। ये नॉलेज है ही भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने की, भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने की। तो जब दैवी गुण धारण करेंगे तब प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तब प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अपने को देखना है, मैं धारणा करता हूं, मैं धारणा करता हूं, क्या क्या विघ्न आते हैं। मैं देवी देवताओं के गुण अपने जीवन में धारणा करता हूं, उनमें क्या क्या विघ्न आते हैं, युक्ति से उन विघ्नों को उड़ाना, युक्ति से उन विघ्नों को उड़ाना है। बाप की याद से ही कर्मातीत अवस्था को पाना है। काटा जो आवे उनको हटाते आगे आगे जाना, काटा जो आवे उनको क्या करना है, हटाना और आगे आगे जाना। दे अभिमान छोड़ देही अभिमानी बन, बाप को याद करना है, अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलना। जितना याद करेंगे उतना रास्ता साफ होता जाएगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना, रहना गृहस्थ व्यवहार में है और बनना कमल फूल समान है, विकार में कभी नहीं जाना है। मूल बात है ही विकार की, विकार में जाना बंद करना है। बल कितने भी विघ्न आए परंतु पवित्र जरूर बनना है, पवित्र जरूर बनना है। जास्ती विघ्न स्त्रियों पर आते हैं, वो चाहती है हम पवित्र रहें। कृष्णपुरी में जाना चाहती हैं, श्री कृष्ण जयंती पर
बहुत प्रेम से श्री कृष्ण को चुलाती हैं, पूजा करती हैं, व्रत आदि रखती हैं। वे तो है सिर्फ 7 दिन का व्रत ने, 7 दिन का व्रत ने। बाप कहते हैं कि अभी तुम ये व्रत रखो कि विकार में कभी नहीं जाएंगे, विकार में कभी नहीं जाएंगे। जब तक जीना है तब तक पवित्रता का व्रत रखना है, तब तक पवित्रता का व्रत रखना है। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया में अब ये हमारा अंतिम जन्म है, ना सिर्फ हमारा बल्कि सारी दुनिया का अंतिम जन्म है। तुम तो समझते हो कि अब हम पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाते, पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाते। दूसरा जन्म हमारा पवित्र दुनिया में होगा, दूसरा जन्म हमारा पवित्र दुनिया में होगा। वे हठ योगी सन्यासी कोई इस विचार से पवित्र नहीं बनते कि ये हमारा अंतिम जन्म है, यहां तो मेहनत, यहां तो मेहनत। साथ में रहते हुए भी कभी विकार में नहीं जाना, सदा रहते हुए साथ में रहते हुए कभी विकार में नहीं जाना है। दोनों को व्रत लेना है, अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, वही पुकारती हैं, पुरुष कभी पुकारते नहीं, पुरुष कभी पुकारते नहीं है कि प्रभु लाज रखना, नंगन होने से बचाओ। ये माताओं की पुकार है, माताएं बाप को पुकारती हैं, हे बाबा मुझे नंगन होने से बचाओ। ये वही गीता भागवत वाली बातें हैं, ये वही गीता भागवत वाली बातें हैं। सिर्फ नाम भूल से श्री कृष्ण का लगा दिया है। श्री कृष्ण तो पतित पावन है नहीं, पतित पावन तो एक ही बाप है। तुम समझते हो कि पवित्र बनने के लिए मारें भी खानी पड़ती, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, अब फिर से हो रहा है। एक द्रौपदी नहीं, एक द्रौपदी नहीं, तुम कितनी द्रौपदियां हो, तुम कितनी द्रौपदियां हो। अनेक पतितों को पावन बनाना है, तुम माताएं निमित्त बनी हो, पवित्र बनकर पवित्र बनाने तुमको तो और ही जास्ती पढ़ाई पर ध्यान देना, तुमको तो और ही जास्ती पढ़ाई पर ध्यान देना है। अपनी हम जिंस को उठाना है, सन्यासियों का है निर्वृत्ति मार्ग, ये है प्रवृत्ति मार्ग, ये है प्रवृत्ति मार्ग। सन्यासियों का घर बार छोड़कर जंगल में जाते, ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनना, पढ़ना और पढ़ाना, जिससे ऊंच पद हो जाए। पढ़ाई है बहुत सहज, समझाना है भारत जो हीरे जैसा था
लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी इतना गिरा क्यों? इतना गिरा क्यों है? हम आपको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतावे, फिर स्वर्ग कैसे होगा? मनुष्यों को तो ख्याल में भी नहीं है, यह किसी को पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण जो पूज्य थे वही पुजारी बने। वही क्या बने हैं? पुजारी बने। आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी, ये किसी को पता नहीं, किसी को मालूम कि जो पूज्य थे वही पुजारी तमो प्रधान बने। पुनर्पूज्य थे, जरूर थे, पुनर्जन्म लेते लेते क्या बन गए? पुजारी बन। बाप बैठ समझाते हैं, सतयुग में जो आते हैं उनको पुनर्जन्म लेना है। हम सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी बने, अब ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर देवता वंशी बनेंगे। देवता वंशी बनेंगे। अब ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर बनेंगे देवता वंशी। जैसे इनको बाप ने एडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाया है, कोई पूछे तुम कैसे बने? बोलो, ब्रह्मा के मुख से परमपिता परमात्मा ने हमको अपना बनाया। बाप ही पतितों को पावन बनाते हैं। अभी हम प्रतिज्ञा करते हैं इसकी पवित्रता की। बाप को याद करने से ही हम पावन बनते हैं। बाप कृपा करेंगे, कृपा तो की है ना, परम धाम से पतित दुनिया में पतित शरीर में आए। बाप कहते हैं अब मैं आया हूं, अब मैं आया हूं, जो सिखलाता हूं वो सीखो, मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो तो तुम्हें ताकत। विकारों विनाश होंगे, इसमें आशीर्वाद की तो कोई बात ही नहीं है। टीचर को कहेंगे क्या कि आप कृपा करो? कहेंगे कि कृपा करो कि आप कृपा करो तो हम 100 मार्क से पास हो जाए? बाबा आप हमारे ऊपर कृपा करो तो 100 नंबर से। सौ मार्क से पास हो जाए, ये भी बेहद का टीचर है। पढ़ाते हैं, कोई को नॉलेज धारण करना धारण नहीं होती है तो क्या करेंगे? टीचर सब पर कृपा करे।
तो सब पास हो जाए, फिर तो राजधानी कैसे बनेगी? सारे पास हो जाएंगे तो राजधानी कैसे बनेगी? सारे कहेंगे हम तो राजा वाली कुर्सी पर बैठेंगे। तुम बच्चों पोतों पुरुषार्थ करना है, फॉलो करो माँ बाप के, माँ बाप को, बाप को याद करो, और कोई उपाय नहीं, बाबा की श्रीमत पर चलने के सिवाय और कोई उपाय नहीं। नहीं तो बाप को पुकारते हैं, बाप को पुकारते, क्यों पुकारते हैं? साधु संत आदि सब कहते हैं हमको दुख से छुड़ा, हमको दुख से छुड़ा। भारी संकट आने हैं, जब विनाश शुरू हो जाएगा फिर समझेंगे कि जरूर कहीं भगवान गुप्त वेश में है। फिर समझेंगे जरूर कि कहीं भगवान गुप्त वेश में है। श्री कृष्ण अगर होता तो सारी दुनिया में ढिंढोरा पिट जाता। श्री कृष्ण तो आना, ये तो बाप को आना पड़ता है, अंत तक बाप को ज्ञान सुनाना है। आते ही हैं गुप्त रूपों में, कृष्ण तो हो ना सके। निराकार बाप सभी को का एक है, वे आया है पतितों को पावन बनाने, पतितों को पावन बनाकर वर्षा देने। तुम्हारा भी फस है, सबको बतलाओ, पूछना है परम पिता परम आत्मा से तुम्हारा क्या रिश्ता है, क्या संबंध है? बाप को कितना ढेर समझाते, परम पिता परम आत्मा का डायरेक्शन है, एक तो मुझे याद करो, दूसरा एक तो मुझे याद करो और अच्छी रीति पढ़ो, बाबा को अच्छी रीति याद कर उच्च वर्षा पाना है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको समझाती, समझाते रहते हैं। चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो, भारत सतयुग में सिरताज था, सबसे श्रेष्ठ था, सूर्यवंशी देवी देवताएं राज्य करते थे, फिर चंद्रवंशी राज्य हुआ, कला गिरती गई, यह भी तो देखना पड़े ना। पढ़ेंगे अच्छी रीति तो सीखेंगे भी अच्छी रीति, पढ़ेंगे नहीं तो ना पास हो जाएंगे। सावधानी कौन दे? आजकल माया असावधान करने वाली, असावधान असावधान माया, यहां झूठ छिप नहीं सकती। कोई भी कर्म करेंगे तो
वो जमा होता जाएगा। पाप अथवा पुण्य जमा तो जरूर होता है, उस अनुसार ही दूसरा जन्म मिलता है। उस अनुसार ही दूसरा जन्म मिलता है। कोई भी पाप करेंगे तो जन्म भी ऐसा ही मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। इसलिए बाप कहते हैं कोई पाप करते हैं तो झट बदला। ऐसे नहीं कि ईश्वर तो सारे ईश्वरीय कुल में, ईश्वर तो सबका बाप है, बाप को बताना ही पड़ेगा। बाप को बतलाना पड़े। इस जन्म में जो पाप कर्म किए हैं वो आत्मा जानती है, सब कुछ याद करते हैं और याद आता रहता है, याद बनी रहती है। वो आत्मा जानती है कि कितने जन्मों से क्या क्या पाप के कार्य किए। सब कुछ याद रहता है कि हमने क्या क्या काम किए हैं। बाप दादा को बतलाओ कि हमने क्या क्या किया है। मुख्य बात है विकार, चोरी करना, ठगी करना, ये भी छोटी, ये भी छोटी मोटी ठगी। मुख्य है विकार की बात। काम महाशत्रु है, विकार में जाने वाले को ही पतित कहा जाता है। इन विकारों पर पहले जीत पहनो, जीत पहनी है, जीत पहननी है। इन विकारों पर पहले जीत पहनी है। तुम्हारा दुश्मन ही रावण है जो तुम्हें पतित बनाते हैं। आप पावन बनने के लिए बाप को याद करो। बाप का बन कर और फिर विकारों में गिरे तो चोट बहुत लगेगी। पहले तो देह अभिमान छोड़ना है, फिर काम महाशत्रु है, सारी युद्ध है इसी पर। तो ये या ये सब बातें समझकर औरों को समझानी है। बाबा पूछेंगे तुम कितने को सच्ची गीता व सत्यनारायण की कथा अमर कथा सुनाई। सत्यनारायण की कथा अमर कथा सुनाई। पाप आत्माएं तो ढेर की ढेर, आत्माएं तो ढेर की ढेर है ना, तो ये भी पोता मेल बताओ, तब समझे तुम ब्राह्मण बने हो। कितना कितनों को आप समान बनाने की सेवा करनी, पहले सेवा करनी, बाप का परिचय देना है। दुनिया में ये तो कोई भी नहीं जानते कि बाप के पास बहुतों के सर्टिफिकेट आते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट में क्या होता है,
सर्टिफिकेट भी आते हैं, लिखते भी हैं, फलाने ने ऐसा समझाया, वो गुरु निमित्त बन स्वर्ग का मालिक बनाने बी के सबूत देते हैं, परंतु जो बनते हैं सबूत देते परंतु जो बनते हैं वो किसको समझाते हैं, किसको तो पास ले जाकर क्या करो बाबा को तो क्या होगा, जिनको निश्चय होगा फट से कहेंगे पहले बाप की गोद तो ले लेवे, क्रिश्चियन में बच्चा पैदा होता क्रिश्चियनाइज कराते हैं, क्या कराते हैं क्रिश्चियनाइज कराते हैं, हम भी तो ईश्वर की गोद का बच्चा बने हैं, सतगुरु की गोद तो ले, बाकी सतगुरु की गोद तो ले, सतगुरु की गोद ली बाप से मिले तो ये हमारा वर्षा हो गया, ऐसा मस्त कोई मुश्किल, ऐसे मस्त कोई मनुष्य मुश्किल ही, समझाना चाहिए आगे चल अच्छी रीति समझेंगे तुम्हारे में ये ताकत भरेगी, फिर बाप से मिलना है जरूर, बाप से मिलना जरूर, मिलने बिगर ठहर नहीं सकेंगे, एक कदम भागेंगे ये माँ बाप भी हैं, फिर टीचर भी हैं, सतगुरु का भी है, सतगुरु फिर भी गुरु भी है, माँ बाप की गोद तो ले लो, गुरु के पास जाते हैं परंतु वे तो कोई स्वर्ग की बादशाही कोई गुरु नहीं देता, बादशाही बाप से मिलती है और बाप से ही होती, बाप ही टीचर, बाप जो है क्या है टीचर भी है, तो क्यों नहीं तीनों से वर्षा ले ले, बाप भी वही है टीचर भी वही है। ये बन रहा है ना, कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे वो बाप टीचर गुरु है, क्या बोलेंगे, वे तो छोटा सा प्रिंस है, यहां तुम बच्चों की बुद्धि में है कि ये बाप भी है शिक्षक भी है और गुरु भी, इनको कोई बाप टीचर गुरु नहीं, श्री कृष्ण के तो माँ बाप थे नहीं, थे ना, पतित पावन है एक बाप, जिसको माँ बाप है वे पतित पावन हो ना, बाकी तो सारे पावन माता पिता के नाम से माउट उसको बुला भी नहीं सके, उनको भगवान नहीं कह सकते, भगवान का कोई माँ बाप नहीं, गॉड फादर को कोई फादर ही नहीं कह सकते, गॉड फादर को हे पतित पावन लिबरेटर कहा जाता है, उन्हें लिबरेट करने वाला कोई नहीं, ये बाप का ही काम है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी
रचने वाला वे बाप है, रचयिता है ऊंचते ऊंच भगवान, गाया भी जाता है वे सब की पुरुषार्थ की पूरा। वे हम सब का बाप है, सबसे ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। श्री कृष्ण को सभी का बाप थोड़े कहेंगे, हम एक निराकार बाप के सब बच्चे हैं, वही नई दुनिया का रचयिता, नई दुनिया का रचयिता। नई दुनिया सुखदाम को कहा जाता है, फिर नई से पुरानी होती है। कुछ भी कुछ भी समझाते हैं, तुम्हारी ये बहुत जन्मों के अंत का अंतिम जन्म है। रावण को भी अब भी अंत, फिर सतयुग में थोड़े ही बनाएंगे। कितने पुतले बनाएंगे, कितने पुतले बनाएंगे रावण दुश्मन, जितने बनाओ, जितना विकार बढ़ते जाएंगे उतने दुश्मन बढ़ते जाएंगे। ये दुश्मन किस प्रकार का है जिसको जलाते रहते हैं, इनका नाम कब हुआ किसी को पता नहीं। शिव जयंती मनाते हैं तो रावण जयंती भी मनावे ना, समझते कुछ भी नहीं है। तुमको समझाया जाता है, ये है डिटेल की बातें। अंत में जब ऐसे सोचेंगे, बुद्धि में धारण करेंगे, फिर क्लास में ही नहीं आएंगे तो क्या पढ़ेंगे। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद पाएंगे। बच्चा वही अच्छा जो पढ़कर पढ़ाए, सबूत दे। बच्चे तो सब हैं, समझाना चाहिए। हम बहुतों की सर्विस करेंगे, बहुतों को आप समान बनाएंगे तो बाबा का अच्छा प्यार होगा। बाबा तो इतना प्यार से पुचकार देते हैं, पुचकार देते हैं, सीमा देते हैं, बात तो पुचकार देते रहते हैं। बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, तोता तो एक पढ़ने वाला होता है, दूसरा कंठी करने वाला, कंठी वाला होता है। जिसे कंठी होती है ये भी ऐसे है, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं पढ़ेंगे वही कंठी माला में रहेंगे। पढ़ते हो अब जो पढ़ते ही नहीं है तो जैसे जंगली, तुम बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है और पढ़ाना है। ये है सच्ची कथा जो सच्चा बाप ही सुनाते हैं, सच खंड की स्थापना करते हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य में झूठ कभी नहीं बोलते शंकर, झूठ नहीं बोलते कभी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए
कमल फूल समान में लगा समान रहना है, जब तक जीना है पवित्रता का व्रत जरूर रखना है। कृपा मांगने की बजाय माता पिता को फॉलो करना है। पढ़ाई ध्यान से, मुश्किल ध्यान से पढ़नी और पढ़ानी। मुश्किल है कि बाहर के कोई और काम जाके वरदान है आजकल। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। कर्म में योग और योग में कर्म, ऐसा कर्म योगी अर्थात श्रेष्ठ समृद्धि श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाला सर्व की दुआएं के अधिकारी बन गए। सर्व की दुआओं के अधिकारी बन गए। कर्म और योग के बैलेंस से हर कर्म बाप द्वारा ब्लेसिंग तो मिलती है, वहां सहज योग है और ये दुआएं व सहयोग का सफलता मूलक मंत्र। और ये दुआएं व सहयोग ही सफलता मूर्त बना देता, सफलता मूर्त बना देता है। स्लोगन, सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना, यही सच्ची सेवा है, यही सच्ची सेवा है। और विस्तार से जानना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर कंप्लीट टेलीग्राम करें 9650692270 पर एडिशनल व्हाट्सएप करें। ओम शांति।